सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग टेक को, दबाइए बेल आइकन को ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस न होने पाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दिलवर जानी और आज हम देख रहे हैं HTML और CSS का लेक्चर 6 का पार्ट 2। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि एंकर टैग का कैसे यूज़ किया जाता है। देख सकते हैं कि ये हमारा इंडेक्स डॉट HTML था और सेमसंग डॉट HTML की फाइल थी और एक CSS की फाइल थी जिसमें हम अपने पेज को स्टाइल कर रहे थे। तो आज हम देखने वाले हैं कि वेबसाइट को कैसे लिंक किया जाता है, किसी वेब पेज में वेबसाइट को कैसे लिंक किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने ब्राउज़र की ओर। यह हमारा होम पेज है, अभी हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हम सैमसंग पेज हमें खुल रहा है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक और लिंक आ जाए और यहाँ पर क्लिक करें तो होम पेज आ जाए। तो उसके लिए हम लिखेंगे अपने सैमसंग डॉट एच टी एम एल में, लिखेंगे यहाँ एंकर टैग के अंदर HREF। इसके बाद यहाँ पर लिखना होगा हमको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और यहाँ पर हम लिखेंगे होम। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे हम होम लिख रहे हैं, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। इसके बाद इसको सेव कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लिंक बन चुका है होम का। अब हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे हमको होम पेज पर ले जाएगा। अब देख सकते हैं कि हम होम पेज पर आ गए हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमको सैमसंग वाले पेज पर ले जाएगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक लिंक और हो, जैसे वहाँ पर हम क्लिक करें किसी वेबसाइट के ऊपर चले जाएं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एंकर टैग के अंदर ही लिखना है इसको भी HREF। इसके बाद डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे URL, जिस वेबसाइट ऊपर आप जाना चाहते हैं उसका URL यहाँ पर लिखना होगा आपको। तो URL हम लिखने के लिए पहले सर्च कर लेते हैं। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो चाहे वो लिख सकते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर सर्विसेस पर, इसको सेव कर देंगे। देखिए आप यहाँ पर एक लिंक और बन चुका है सर्विसेज का। अब हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह हमको वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमको ये वेबसाइट पे ले गया है और बैक करने के बाद होम पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमको होम पेज पर ले जाएगा। तो इस तरह से एंकर टैग का यूज़ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।